नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आपका अपने यूट्यूब चैनल हेल्दी सब्सक्राइबर्स पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर एक्वैक R25 के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे इस पेटेंट मेडिसिन के बारे में कि ये कहां यूज़ की जा सकती है, यानी किन मरीजों को ये दवाई दी जाती है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, डॉक्टर एक्वैक R25 को प्रोस्टेट ड्रॉप्स बोलते हैं, यानी ये दवाई प्रोस्टेट ग्लैंड में आई शिकायतों में पेशेंट को दी जाती है। प्रोस्टेट हमारी एक ग्रंथि होती है जो पुरुषों में पाई जाती है। इसमें आने वाली शिकायतें, जैसे इसमें एक्यूट कंडीशन में अगर सूजन आए या इसके कारण पेशाब संबंधित कोई रोग हो, तो उसमें बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। क्रोनिक केस में भी ये दवाई पेशेंट को दी जा सकती है, लेकिन उसकी डोज अलग रह जाती है, वो हम आपको लास्ट में बता देंगे। चलिए अब जानते हैं कि इसमें कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन डाली गई हैं। पहली दवाई इसमें चेमाफीला डाली गई है, जो कि फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन के लिए पेशेंट को दी जाती है। पेशेंट को यूरिनेशन के दौरान अगर शार्प पेन हो तो उसमें भी बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। अगली दवाई इसमें क्लेमेटिस डाली गई है। क्लेमेटिस इन्फ्लामेशन के लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहती है, अगर प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन आ जाए। इसके अलावा अगर पेशेंट का जो यूरिन पास करने का टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा हो, धीरे धीरे पेशेंट यूरिन पास करता है, जब पहली ड्रॉप आती है तो उस दौरान पेशेंट को बर्निंग पेन भी हो, उसके बाद पेनलेस यूरिनेशन होता है, तो ऐसे सिम्टम्स में ये दवाई बहुत असरदार रहती है। अगली दवाई इसमें कोनियम डाली गई है। कोनियम वृद्ध लोगों में दी जाती है, यानी पेशेंट को अगर यूरिन से संबंधित कोई शिकायत हो, प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन आई हो, तो ये दवाई इसमें इफेक्टिव रहती है। अगली दवाई इसमें फेरम पिक्रिकम डाली गई है। पेशेंट को अगर कंटिन्यूअस पेशाब आता रहता है, यूरिनेशन आता रहता है, तो उसमें बहुत इफेक्टिव रहती है। जनरल यूरिनेशन के दौरान अगर पेशेंट को कोई परेशानी आए, ज़्यादा यूरिनेशन हो रही हो, तो उसमें ज़्यादा इफेक्टिव रहती है ये दवाई। अगली दवाई इसमें पल्सेटिला डाली गई है। प्रोस्टेट ग्लैंड में हाइपरट्रोफी हो या फिर यूरिन का कलर येलो हो, इसके अलावा पेशेंट को यूरिन से संबंधित और कोई परेशानी हो, जैसे पेशाब का बार बार आना, प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन आना या फिर गोनोरिया की शिकायत हो, तो ऐसे केस में पल्सेटिला बहुत इफेक्टिव रहती है। सेबल्सरेटा डाली गई है, जो कि बहुत इफेक्टिव रहती है हाइपरट्रोफी में या फिर पेनफुल यूरिनेशन में। यूरिनेशन के दौरान अगर पेशेंट को दर्द होता हो तो उसमें ये दवाई काफ़ी आराम करती है। इस दवाई की हम डोज की बात की जाए तो क्रोनिक केस में ये दवाई दिन में 3 बार दी जाती है। इसकी लगभग 10 से 15 बूंदें 1/4 कप पानी में डालकर खाना खाने से पहले ली जाती है। एक्यूट केस में ये दवाई ज़्यादा टाइम देनी पड़ती है, लगभग 5 से 6 बार। इसके लिए आप एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें, बिना डॉक्टर की सलाह के इस दवाई को न खाएँ। डॉक्टर की सलाह लेकर इस दवाई का सेवन करें, इसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या कोई सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।